शनिवार को आम आदमी पार्टी के कुनबे में एक और बड़ा नाम जुड़ गया। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे चौधरी शेर सिंह की सुपुत्री गीता चौधरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले गीता चौधरी के पार्टी में जुड़ने से आपको बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर पूरे अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को अच्छी बढ़त मिलने के आसार होंगे। गीता चौधरी ने इस मौके पर कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की नीतियों से बहुत प्रभावित है। दिल्ली और पंजाब में वो पार्टी की नीतियों को देख चुकी है और वो महसूस करती है कि हरियाणा में बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इसलिए अपने पिता चौधरी शेर सिंह के सपने को पूरा करने के लिए अब वे आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए मुझे आभास होना शुरू हुआ कि हरियाणा में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी रह रही है। हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी पंजाब में सरकार है, आज भी जो हम चंडीगढ़ में इलेक्शन देखो, दोबारा भी इलेक्शंस मतलब कि लड़ाई हुई है उस इलेक्शन के लिए, वहाँ विजय हुए, आज का इलेक्शन भी। और मैं खुशनसीब हूँ शायद इस चीज़ के लिए कि एक पॉजिटिविटी के साथ मेरा वेलकम हुआ है। हम एक विजय के साथ आगमन और इतना अच्छा लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने पिताजी की जो उन्होंने अधूरा छूट गया था कुछ, क्योंकि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, तो उनके कुछ सपने थे तो उन सपनों को पूरा करना चाहूंगी। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि गीता चौधरी पढ़ी लिखी युवा होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और राजनीति में भी अच्छी समझ और रुचि रखती हैं। गीता ने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे साथ में गीता चौधरी जी हैं। गीता चौधरी जी चौधरी शेर सिंह जी की सुपुत्री हैं। चौधरी शेर सिंह जी मुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और उस हलके के बड़े नेता को हरा के जीते। शेर सिंह जी चौधरी भजनलाल जी के साथ भी बहुत काम किया था उन्होंने, उनके भरोसेमंद और खास लोगों में से शेर सिंह जी थे। शेर सिंह जी ने 1977-78 में हरियाणा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गीता चौधरी जी उनकी सुपुत्री हैं, लंबे समय से सोशल वर्कर हैं, फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा काम आप कर चुकी हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखती हैं, पर्यावरण से अच्छा प्रेम रखती हैं और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होके आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूं, इनका स्वागत कर रहा हूं टोपी पटकर। और इनका पूरा परिवार जिस प्रकार से इनके पिताजी ने राजनीति के अंदर सेवा की, इनके भाई विकास चौधरी जी भी आम आदमी पार्टी को पहले ज्वाइन कर चुके हैं और आज गीता जी कर रही हैं, मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। बता दें कि चौधरी शेर सिंह हरियाणा सरकार में 1977 से 81 तक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रहे, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू, एक्साइज और टैक्सेशन और फॉरेस्ट विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही 1991 में साधौरा से आजाद विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। इसके अलावा भजनलाल सरकार में प्लानिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। उनकी सुपुत्री गीता चौधरी ने अब आम आदमी पार्टी के कारवां के साथ जोड़ने का मन बनाया है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।